Mantri ji. सबने समर्थन किया इसलिए आपको ज्यादा समय जरूरत नहीं. माननीय, इस बिल पर 15 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रायः सभी सदस्यों ने इस बात को कहा है कि नहीं, अब जो चेक डिसऑनर होता था, जिसके नाते लोगों को घबराहट रहा करती थी, कम से कम उसमें कमी इस बात के नाते आएगी कि अपील के साथ ही साथ 20% का भुगतान मिलेगा, फिर और मुकदमे आपस में देखेंगे. श्रीमान, पूरे देश में इस समय सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 16 लाख ऐसे मामले हैं जो चेक बाउंस होने के हैं और 32,000 ऐसे केसेज हैं जो हाई कोर्ट तक गए हैं. तो यह नहीं है कि ये जो प्रावधान किया जा रहा है वह इस नाते ही कर दिया जा रहा है कि बहुत कम है, लेकिन इस नाते भी किया गया है कि ताकि वह कोर्ट आगे न बढ़ सके, हाई कोर्ट तक ना जा सके, जल्दी से जल्दी लोगों का विश्वास उसमें हो सके, इस नाते इसको किया गया. जो संशोधन भी इसमें आया था वह इस दृष्टि से भी आया था कि अवधि इत्यादि की जो ठीक ठाक, जैसे एक या केवल वाणिज्यिक लेन देन के लिए ना हो बल्कि सर्वसाधारण में, जैसे सुशील जी जब बोल रहे थे तो उस बात को उन्होंने समर्थन किया कि जो छोटे छोटे लोग हैं कहीं वो ना फंस जाए, उसको भी दृष्टि में रख कर करके 143 और 148 इन दोनों में इसका प्राविधान किया गया है. संजय जी जरूर इस पर कई बातें रखे, लेकिन संजय जी मैं कहूं कि जिस वाणिज्यिक स्थिति में कहे थे, पूरा समाज जो है एक शब्द दिया है साहकार साहूकार. अरे भाई, व्यापार करने वाले लोगों को तो वैसे भी लोग साहूकार मान लेते हैं कि वह सही जो करेगा वो सच ही करेगा, फिर भी अगर चेक का डिसऑनर होना आता है, बाउंस होना आता है, तो स्वाभाविक हो सर हमको और आपको मिलकर के सदन में इस बात का विचार करना पड़ेगा कि वह बेचारे जो अपना पैसा दे कर करके, अपना चेक दे कर करके, पैसा दे करके फंसे हुए हैं, उनको चेक के आधार पर हो रहा है, उनका क्या किया जाए. तो एक तो साहूकारों का भी इससे लाभ होगा कि जो लोग चेक दे करके चले जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी हुई है कि चेक पर कैसे विश्वास किया जाए, इससे लेन देन हो, जिसकी सुशील जी ने किया, तो वह भी बात पूरी तौर पर खत्म होगी और उन लोगों का भी होगा कि जिन लोगों का स्थिति है कि छोटे छोटे मामले में चेक हुए. अब गवर्नमेंट के चेक बाउंस नहीं होंगे, गवर्नमेंट के चेक का एक अलग स्वरूप है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी तय किया है उसके आधार पर. मैं जानता हूं कि आप बाल कुछ बोलना चाहते हैं, उसके आधार पर वह नहीं होगा. हाँ, कहीं अगर किसी ने गलती किया, वह क्लर्कियल गलती के नाते हो जाता है, वह शासन की गलतियों के नाते नहीं होता है. शासन के उसमें न जाने कितने खातों के पैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसके नाते वो हो जाता है, जिसको आप पूरी तौर पर अवगत हैं, जानते हैं. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जाया करते थे तो उस जाने की स्थिति में, जिस पर जीएसटी की आपने चर्चा किया ना, जाया करते थे तो बदल दिए जाते थे कि जाते थे किसी मद में, हो जाता था किसी मद में. इसका संज्ञान आपको अधिक है क्योंकि आप पिछले स्थिति को जानते हैं और उसके काफ़ी नज़दीक रहे हैं. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अब ऐसे स्थिति ना आए जिसके नाते ये हो, इस नाते इसको लाया गया है. एक इस नाते मैं उन सभी वक्ताओं से का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, सदन का भी स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए चाहता हूं कि इस बिल को
आगे बढ़ा करके इसको पारित जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी।